हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम फ्लश डोर बनाते हैं, जो हमारा मकान में रूम होता है उसके फ्लश डोर बनवाते हैं, तो फ्लश डोर की कॉस्टिंग क्या बैठती है, क्या रेट में पड़ता है। हमें काफ़ी सारे रेट अलग अलग है, उसमें सारा अलग अलग मटेरियल लगता है, तो आज नॉर्मल एक स्टार्टिंग प्राइस जानेंगे, उसमें क्या क्या माल लगता है सारे इस वीडियो में होने वाला है। कौन सी सनमाइका का लगेगी, बाहर कौन सी सनमाइका लगेगी, अंदर कौन सी सनमाइका लगेगी, और कौन सी फिटिंग लगेगी, कौन सा फेविकोल यूज़ होगा, क्या क्या साथ में पूरा फ्लश डोर कौन सा लेंगे, तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वो पूरी कॉस्टिंग निकालने वाले हम, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, मैं आपको फ्लश डोर दिखा देता हूँ। ये 30 mm के फ्लश डोर है और साइज सारी इसमें अवेलेबल है। इसमें साइज कैसे आती है, 3-3 inch में साइज आती है इसकी, 78-36, 81-36, 78-36, 78-30, मतलब जो साइज हमें चाहिए वो साइज में हमें को मिल जाएगा। ये देख लीजिए, फ्लश डोर देख लीजिए आप, और इस पर लेमिनेट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसका फोल्डर है और इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है अवेलेबल है, जो कि हमारे फ्रंट साइड में लगने वाली है। बहुत सारी डिज़ाइन है और अलग अलग कंपनी में बहुत अलग अलग डिज़ाइन भी आती है। ये सब डिजिटल डिज़ाइन है, बहुत सारी डिज़ाइन है। तो अब इसके पीछे भी लगने वाली जो माइका है वो भी देख लीजिए। ये वेंगे लगवा सकते हैं हम, इसमें वाइड भी लगा सकते हैं लाइनर, और ये वेंगे भी लगा सकते हैं सिंपल वाली। हाँ, तो अब मैं आपको इसकी पूरी डोर की कॉस्टिंग कैसे निकालने वाला हूँ वो पूरी एक बुक के ऊपर निकालने वाला हूँ, जो हम डायरी में के ऊपर, उसमें फ्लश डोर क्या रेट है और माइका क्या रेट है और उसकी फिटिंग क्या रेट है, फेविकोल क्या रेट है और कितना लगेगा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक चीज़ नोट करने वाला हूँ और उसके बाद मैं रेटें निकालने वाला हूँ और फिर टोटल होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, सबसे पहले डोर आएगा हमारा और एक साइज 78-36 की साइज़ ले रहा हूँ मैं नॉर्मल। जो इसमें जो भी मैं रेटें बताने वाला हूँ आपको, वो स्टार्टिंग बताने वाला हूँ, उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग रेंज आती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं नॉर्मल रेंज, स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले डोर ये देख लीजिए, 78-36 का एक डोर कर दिया मैंने एक पीस। और दूसरे नंबर पर माइका, आगे वाली जो आगे लगेगी, और तीसरे नंबर पे माइका, पीछे, और चार नंबर पे आएगा हमारा डोर किट, और पांचवे नंबर पे आएगा हमारा पट्टी, जो 35-10 की पट्टी आती है, जो साइड में हमारे दरवाजे के साइड में चारों तरफ जो सागवान की पट्टी आती है वो वाली। और सिक्स नंबर पे आएगा फेविकॉल, और सातवें नंबर पे आएगा हमारा स्क्रू। हाँ, तो दोस्तों ये देख लीजिए, सारा कुछ लिख दिया है मैंने। 7 नंबर स्क्रू वाला मैंने कटिंग करके ये लेबर वाला लिखा है, जो कि ये देख लीजिए ऊपर आप। सबसे पहले 78-36 का जो फ्लश डोर है हमारा, एक फ्लश डोर है 19.5 feet बन रहा है, 100 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से हम इसमें टोटल करते रहेंगे, 19.5 feet, तो 1950 रुपये का तो हमारा डोर हो गया। और माइका जो कि फ्रंट में माइका लगेगी वो वाली, स्टार्टिंग 1000 रुपये से स्टार्टिंग आती है, तो ये 1000 हो गया। और माइका जो हमारे बैक साइड में लगती है वो 700 रुपये से स्टार्टिंग है, तो ये 700 हो गया। और डोर किट है जो कि 600 रुपये में सब कुछ आ गया, उसमें हमारे इंजिस भी आ जाएंगे और हैंडल होल्डर आप और ताड़ी और स्टॉपर सारा कुछ आ जाएगा, और उसमें स्क्रू भी मिक्स है वो भी आ जाएंगे, तो वो 600 रुपये पकड़ लेता हूँ मैं। 500 रुपये का डोर किट है और स्क्रू करके हमारा 600 रुपये हो गए। और जो सागवान की पट्टी है वो 21 feet पट्टी लगने वाली है,
तो मैं आपको दिखा सकता हूँ 21x8 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है, तो 168 रुपये बनते हैं। ये 168 हो गया। फेविकोल 1 लीटर प्राइस अच्छा कुछ लेते हैं तो 350 रुपये लीटर है। और लेबर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे चलने वाली लेबर है जो कि 1200 रुपये है। आप अगर आपके एरिया में क्या लेबर चलती है कमेंट करके बता सकते हैं आप। हमारे यहाँ पे सब जगह लेबर अलग अलग चलती है, हमारे यहाँ पे 1200 से 1300 रुपए के बीच में चलती है। आपके एरिया में क्या चलती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम इसे टोटल कर लेने वाले हैं एक बार। तो सबसे पहले टोटल करता हूँ मैं, 1950 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 168 प्लस 350 प्लस 1200, तो ये देख लीजिए 5968 रुपये आ रहे हैं। टोटल हमारा जो खर्चा आ रहा है वो एक डोर का जो 5968 रुपये बन रहा है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ये मैंने जो डोर लिया है वो 100 रुपये वाला फीट वाला है। इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है, 100 रुपये, 110, 120, जितना ऊपर आप जाना चाहो उतना ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसमें माइका की बात करें तो 1000 से स्टार्टिंग है। अगर आपको 1200, 1500, 2000 जो चाहो जो मिल जाएगी। और बैक साइड की बात करें उसमें भी ऐसा ही है, आपको 1000, 1200, 1500 जो चाहो वो मिल जाएगी। और इसमें डोर किट की बात करें तो इसमें ये होल्ड्राफ वाला है, और इसमें आप लॉक लगवाना चाहें, मोर्टिस लॉक हो गया उसका एक अलग है। और ये पट्टी सागवान की, अगर आप इसमें फर्स्ट ग्रेड लगवाना चाहें तो 12-15 रुपये, उसमें भी अच्छी क्वालिटी आती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और फेविकोल में 19-20 ही रहेगा। फेविकोल तो अच्छा वाला ही लिया इसमें, मरीन वाला 350। अगर और भी थोड़ा अच्छा लेंगे D3 वगैरह तो 400 रुपये के अराउंड पड़ जाएगा आपको। लेबर की बात करें तो लेबर यही रहने वाली है, और इसमें आपके एरिया में अगर कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो राउंड फिगर में हमारा आता है 5968 रुपये बन रहे हैं। तो ये पूरी कॉस्टिंग हमारी कंप्लीट डोर की निकल गई। हाँ, तो दोस्तों आपको कॉस्टिंग पूरी सारी कुछ मालूम हो गई होगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसी नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो डालता रहता हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।